Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो बेसिकली आपने अपने किसी रिलेटिव का यूज करना है वो प्लीज यूज कीजिए, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, किसी की मदद, जिसके लिए आपको सिर्फ डिपॉजिट मेथड चाहिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जिससे ये अकाउंट की डिडक्शन होगी शुरू में। सबसे पहले डिडक्शन ही वो बेसिकली आपकी आइडेंटिफाई करता है डिपॉजिट को होल्ड करने के लिए। तो इसके बेसिकली मेथड ये है, अदर फर्स्ट ऑफ ऑल की HSBC बैंक अकाउंट है, ये बेसिकली अलाउ करता है समटाइम्स आस्क योर यूएस HSBC बैंक आपने बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है आप। और सेकेंडली इसमें ये है कि करेंसी एक्सचेंज जो सर्विसेज हैं लाइक वर्ल्ड फर्स्ट और पायनर, तो पायनर जो बेसिकली ये सर्विसेज है ये क्या करते हैं आप, लेट मी ओपन इट एज वेल, सो हम इसको साइड बाय साइड देखते हैं। पायनर क्या है कि ये करेंसी एक्सचेंज सर्विस है, ये आपको क्या करता है कि आप इसमें अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो इसमें आपने वही एड्रेस देना है जो कि आपने या तो अपने जो रिलेटिव का एड्रेस था जब अकाउंट क्रिएट करते हुए, या वही देना है जो आपने यूएस मेल वन या आपने अर्थ क्लास मेल से बाय किया था। सो मेक श्योर कीजिएगा आप वही एड्रेस दें यहाँ पे जब आप पायनियर पे सेटअप करें। पायनियर ये है कि यहाँ पे आपकी पेमेंट आएगी और यहाँ से पेमेंट आप विड्रॉ करेंगे पाकिस्तान के अपने किसी लोकल बैंक से, जो कि UBL हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। ये बेसिकली आपकी ये आपके अकाउंट Amazon से कनेक्ट होगा और जब कनेक्ट होगा तो ये Amazon पायनियर को पे करेगा और पायनियर विदड्रॉ करेंगे आप अपने अकाउंट से, जो कि पाकिस्तान के किसी भी लोकल बैंक से आप विदड्रॉ कर सकते हैं जो भी डॉलर का करंट एक्सचेंज चल रहा होगा। सो बेसिकली इसमें साइन अप करते हुए आपने वो एड्रेस देना है जो कि आपकी आपने या तो अर्थ क्लास मेल से बाई किया है, US मेल वन से बाई किया है, या आपका रिलेटिव आपको दे रहा है जो, सो बेसिकली वो एड्रेस आपने साइन अप के लिए पायनियर में करना है। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अमेज़न कल को आपसे पूछ सकता है वेरिफिकेशन के लिए कि अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करें। सो बेसिकली आपका बैंक अकाउंट है तो आप पायनियर से बैंक डिटेल्स बैंक स्टेटमेंट PDF फाइल की शक्ल में आप एक्सपोर्ट कर लेंगे और वो अमेज़न को प्रोवाइड करेंगे और अमेज़न उस एड्रेस से मैच करेगा जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए दिया था, और वो एड्रेस बेसिकली वही जो तीन ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। राइट, नाम कौन से यूज करने हैं, अपना नाम भी कर सकते हैं अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं, या आप बेसिकली उस पे भी यूज कर सकते हैं जो आपका हेल्प कर रहा है फ्रेंड। राइट जी, नया पायनियर अकाउंट बनाना है डेफिनेटली बेसिक, अगर आपके पास ऑलरेडी है, आई डोंट नो कि आपके पास ऑलरेडी है या नहीं, बट नया बनाना है। और पायनियर रिक्वायर्स आईडी कार्ड, सो डेफिनेटली आईडी कार्ड में आप अपना पासपोर्ट दें, मेक श्योर कीजिएगा इसको स्कैन अच्छी तरह करें कि जब आप पायनियर बेसिकली सिर्फ आपसे आपका आईडी मांगता है तो आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो आपने बेसिकली इसको प्रोवाइड करना है वेरिफिकेशन के लिए आपकी आइडेंटिटी के लिए। राइट, पायनियर में अगर हम वो एड्रेस करेंगे तो हम कार्ड कैसे रिसीव करेंगे, बल्कि आपको कार्ड जो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है पायनियर की तरफ से। राइट, एड्रेस के साथ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं अर्थ मेल वाले, एड्रेस तो वर्चुअल एड्रेस होगा ना आपकी, कोई भी मेल वहां पे रिसीव हो सकती है या कोई भी चीज बेसिकली आपकी, अगर आप उस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं वहां पे जा सकती है। तो वी आर यूजिंग अर्थ मेल जस्ट फॉर दीज वेरिफिकेशन पर्पज, आपको कोई मेल की जरूरत नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट मतलब प्रोवाइड उनसे क्या लेना आपने कि प्रूफ कि मेरा यहाँ पे अकाउंट है, आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये अर्थ मेल से लिया आपने, अमेज़न भी आपसे नहीं पूछ रहा कि ये कहाँ से लिया। राइट, ऑलरेडी पॉइंटर है पाकिस्तान के एड्रेस पे, वो नहीं चलेगा, नहीं भाई पाकिस्तान का एड्रेस ना दें, इसलिए आपको तीन ऑप्शन बताई, अर्थ मेल से लें एड्रेस, US मेल वन से लें, या अपने रिलेटिव से लें। राइट, इन तीन ऑप्शन में से आपने चूज करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। राइट, अगर कोई फ्रेंड US में है और उसके पास ऑलरेडी अमेज़न अकाउंट है तो क्या हम यूज कर सकते हैं, जी भाई ये कर सकते हैं अगर आपको दे सकता है डेफिनेटली, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप VPN के साथ यूज करें।
कार्ड भी है बट पाकिस्तानी एड्रेस है। आई ऑली रिकमेंड कि अगर पाकिस्तानी एड्रेस है तो प्लीज इसको नहीं यूज करें, क्योंकि अमेजोन कल को जब आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तानी एड्रेस से निकलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पाकिस्तान का नाम कहीं भी मेंशन नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ आप कोई एड्रेस यूज करें जो कि उन कंट्रीज में आपको मैंने दिखाया था, अदरवाइज अमेजोन पाकिस्तान का नाम सुनते ही अकाउंट सस्पेंड कर देगा। इसमें बैंक डिटेल्स भी पायनियर में देनी पड़ती है भाई। हसन भाई इसमें यह है कि जब आपने अकाउंट विदड्रॉ करनी है पायनियर से, क्योंकि अमेजोन पायनियर को पे करेगा और आप इसके थ्रू जब विदड्रॉ करेंगे तो वो आपको आपके लोकल बैंक डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो आपने लोकल बैंक डिटेल्स देनी है ताकि आप वहां से पैसे निकाल सके। अगर एड्रेस यूएस का देना है पायनियर पे देन हम अपना आईडी कार्ड कैसे दे सकते हैं? भाई यूएस में पाकिस्तानी पासपोर्ट का बंदा नहीं रह सकता। आपका अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है राइट और आप अमेरिका में रह रहे हैं तो इसमें क्या इशू है? मतलब आई एम एक्चुअली आंसरिंग टू वायरस। अगर एड्रेस यूएस का देना है पायनियर पे देन हम अपना आईडी कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आईडी कार्ड इसलिए कि आप इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं अमेरिका के एड्रेस पे और अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूज करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूके पे हूँ और मैं यूके में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ तो क्या मैं यूके का एड्रेस नहीं यूज कर सकता? डेफिनेटली कर सकता हूँ राइट। इफ यू आर यूजिंग वर्चुअल एड्रेस ऑफ पायनियर देन व्हाट आईडी और पासपोर्ट वी यूज? पासपोर्ट अपने ही यूज करें भाई, अनटिल अनलेस कि आप सब कुछ अपने रिलेटिव के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं तो आप अपना यूज करें। हर चीज जाहिर भाई हर चीज हर काम करते हुए आपने वीपीएन कनेक्ट रखना है। जब भी आपने अमेजोन का नाम आपके जेन में आए, अमेजोन से रिलेटेड कोई भी चीज आए, वीपीएन आपका कनेक्ट हो, ये प्लीज गलती मत कीजिएगा। और मेरा भी हर वक्त कनेक्ट रहता है, बट अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट देते हैं तो एड्रेस तो यूएस को होगा, वो इशू नहीं है। नहीं भाई हसीब भाई वो इशू नहीं है, सेम जैसा कि मैंने बताया कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट में अमेरिका में नहीं रह सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका का वीजा लग सकता है ना, तो आप वहां रह सकते हैं, तो इसलिए कोई इशू नहीं। तलहा को समझ आ गई है। और हसन कह रहे हैं डिटेल्स अपनी देनी है सारी, आईडी कार्ड ये आप पे डिपेंड करता है, अपनी भी दे सकते हैं अगर आपने किसी की देनी है जो कि आपका रिलेटिव आपकी हेल्प करना चाहता है वो भी। पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए उसका कोई सलूशन नहीं है भाई, उसमें यह कि पायनियर आपको कहेगा कि आप पासपोर्ट या आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है, प्लीज प्रोवाइड द अपडेटेड वन, दैट्स इट राइट। पायनियर में अगर हम वो एड्रेस करेंगे तो हम कार्ड कैसे रिसीव, कार्ड रिसीव करने की जरूरत नहीं, वो आपको ऑनलाइन एक्सेस देगा डेबिट कार्ड की जो कि आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। वीपीएन शील्ड इज पेड और फ्री सर? पेड है सर ये। अगर पायनियर ऑलरेडी बना हुआ है तो दूसरे यूएस की एड्रेस तो क्या पायनियर अप्रूव करेगा यूएस की एड्रेस पे अगर अपना पासपोर्ट दें तो? गुड क्वेश्चन मोहम्मद अली। वेल आई थिंक इट शुड डू बेसिकली, क्योंकि आप डिफरेंट अकाउंट से बना रहे हैं, बट लेट्स ट्राई, बिकॉज ऐसा सिनेरियो मैंने कभी देखा नहीं कि दो अकाउंट बने, बट आई विल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मतलब दे विल आस्क फॉर फर्दर डिटेल्स, लेट मी नो कि हाउ यू गेट ऑन अगर आप, बट आई हाईली रिकमेंड कि यूएस एड्रेस से ही बनाएं। एड्रेस इज गिवन ऑस्ट्रेलिया यार बेसिकली आईफोन एक्स भाई, इफ एड्रेस इज गिवन ऑफ ऑस्ट्रेलिया देन वी मस्ट यूज वीपीएन। मतलब अगर आपने ये, इट डजंट मैटर आप एड्रेस ऑस्ट्रेलिया इटली यूएस का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप अमेजोन को एक्सेस कर रहे हैं या किसी और चीज को एक्सेस कर रहे हैं जो अमेजोन से रिलेटेड है, वो आपने वीपीएन के थ्रू ही करनी है। वो आप किसी भी कंट्री जो कि उन कंट्री की लिस्ट में आपको दिखाया है उनमें से कीजिएगा प्लीज। जिनका पासपोर्ट नहीं है वो क्या करें? वो पासपोर्ट बनवा लें अब्दुल्ला भाई। लुकमान, पायनियर के लिए वीपीएन भी यूज करें? हर चीज के लिए वीपीएन भाई। मेरा पायनियर बना हुआ है पाकिस्तानी एड्रेस के साथ, इसका क्या सलूशन? आई डोंट रिकमेंड कि आप पाकिस्तानी एड्रेस के साथ यूज करें, आई हाईली रिकमेंड कि आप यूएस एड्रेस के साथ, अगर आपने इन चीजों को आगे जाके हैसल अवॉइड करनी है। वीपीएन इज सेफ? हाँ मैं यूज तो कर रहा हूँ वीपीएन लास्ट 5 सालों से, कोई इशू नहीं हुआ, बट कुछ लोग जस्ट वीपीएस भी यूज कर रहे हैं। डिपेंड्स कि आपकी कॉस्ट क्या है, बट इन टर्म्स ऑफ सेफ पर्सपेक्टिव मैं 5 साल से वीपीएन यूज किया है, मुझे कोई इशू नहीं है अब तक। लुकमान अजीज, ऑस्ट्रेलिया कैनेडा स्वीडन जी वो लिस्ट में है, आप यूज कर सकते हैं। आईडी कार्ड से भी वेरिफिकेशन हो जाती है। आई रिकमेंड कि आप पासपोर्ट दें, आईडी कार्ड में ये कुछ आईडी कार्ड कई दफा नहीं एक्सेप्ट होते, इसलिए पासपोर्ट की अच्छी सी स्कैन करके दें। पासपोर्ट की जगह आईडी कार्ड मैं रिकमेंड करूंगा पासपोर्ट ही दें, आईडी कार्ड ना दें आप।
कैन वी यूज जेन मेट ऑल्सो? हाँ ये भी मतलब वट एवर ना, मतलब उसके ऑल्टरनेटिव है एज लॉन्ग एज के वो आप इट वर्क्स फॉर यू राइट. लेट्स मूव ऑन गाइस, मे बी आप क्वेश्चन लेते रहते हैं आस्ता आस्ता राइट. अच्छा इसमें जैसे ये कुछ मैंने स्क्रीन शॉट दिए हुए हैं कि हम वर्ल्ड फर्स्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे. मतलब इसमें आपने ये कि फॉर यू है, फॉर बिजनेस, फॉर ऑनलाइन सेलर्स, आपने यहाँ पे ऑनलाइन सेलर सेलेक्ट करना है क्योंकि आप अगर वर्ल्ड फर्स्ट पे बना रहे हैं, अगर आप पाइनियर नहीं यूज कर रहे तो आप वर्ल्ड फर्स्ट पे कहते हैं यार मैं पाइनियर. वर्ल्ड फर्स्ट भी वही है जो कि पाइनियर है, इसी तरह ये भी वही है. अगर आपको अल्लाह ना करे पाइनियर पे कोई इशू आता है तो आप वर्ल्ड फर्स्ट पे चले जाएं. दो ऑप्शन है, वर्ल्ड फर्स्ट भी यही करता है जो पाइनियर करता है और ये भी एक्सेप्ट होता है. तो इसमें दो टू ऑप्शन है. कुछ लोग मैं जानता हूँ जिनको जो कि वर्ल्ड फर्स्ट यूज कर रहे हैं, उनको पाइनियर का पता ही नहीं है. तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे. मैं तो ये रिकमेंड करूंगा स्टार्ट फ्रॉम बोथ एंड सी के किस में स्मूथ प्रोसेस होता है, एंड देन वी वर्क टुगेदर टू मेक श्योर कि आपका स्मूथ प्रोसेस हो. एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू एज वेल राइट. एंड यूज दिस ओनली इफ यू डू नॉट हैव बैंक अकाउंट इन अमेज़न अप्रूव्ड कंट्री राइट. सो बेसिकली आई कीप मेंशनिंग दिस कि अगर तो आपको आपका रिलेटिव, ये उन सूरत में ये सब कुछ करने की जरूरत है अगर आपका कोई रिलेटिव बैंक अकाउंट यूज करने नहीं दे रहा जो कि बाहर के कंट्रीज उन कंट्रीज में नहीं है राइट. अच्छा ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये आप बेसिकली मैं आपको जब ये मॉड्यूल वन की स्लाइड दूंगा तो आप ये देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वर्ल्ड फर्स्ट के लिए. इसी है जैसा कि मैंने अभी कहा कि रिमेम्बर इफ यू फेस एनी इश्यू इन वर्ल्ड फर्स्ट देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू चेंज एंड पाइनियर इज अनदर ऑप्शन. सो इसमें यह है कि नेवर बी डिसअपॉइंटेड, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. सो इसमें आपने जैसा कि मैंने अभी कहा था आपको अपनी स्टार्ट करने से प्रेजेंटेशन कि देयर इज नो प्लान बी राइट. सो आप लोगों ने अपना माइंड सेट ये रखना है कि कोई प्लान भी नहीं है, नो मैटर वट मैंने ये करके रहना है. तो इसमें माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हैसल, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हैसल जरूर आती है और उसमें इश्यूज आते हैं. कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जो कि बड़ी स्मूथ हो. तो इसमें प्लीज आपने गिव अप नहीं करना और ये नहीं कहना है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है. तो इसमें वेरी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि अगर आप इसको गिव अप करेंगे. तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने शुरू के डिटरमिनेंट रहना है और इसमें आपने काफी हार्ड वर्क करना है शुरू के कुछ मंथ्स और फिर आपने यू विल सी द रिजल्ट्स व्हिच आई एक्चुअली डिड शो यू. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा. जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं. मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते. अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे हैं तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए. अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं. उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं. मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें. आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.